इंसान को सबसे ज्यादा जो पावरफुल बनाया है परमात्मा ने, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी ब्रेन की शक्ति, उसकी कल्पना की शक्ति, उसकी माइंड की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आशा है आप ठीक होंगे, मां की कृपा से सब अच्छा कर रहे होंगे। सारा दिन नेगेटिव बातों को सोच करके, सुन करके हम और नेगेटिव हो जाते हैं। कोरोना बातों से ठीक नहीं होने वाला, समझदारी से ठीक होने वाला है, परहेज से ठीक होने वाला है, जो मेडिकल लाइन की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके ठीक होने वाला है। और जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो भी किसी देवता से कम नहीं है, पूरा जोर लगा के पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। जो हमारे स्पिरिचुअल विद्या ग्रुप के मेंबर हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं, उनका भी जब हालचाल देखता हूं तो जी जान से मेहनत कर रहे हैं। उन सब डॉक्टरों को मेरा सलाम प्रणाम, जो इस बुरे हालात में भी सबका साथ दे रहे हैं। माता रानी आप सब पे कृपा करे, आपको और शक्ति दे, और शक्ति दे। इंसान को सबसे ज्यादा जो पावरफुल बनाया है परमात्मा ने, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी ब्रेन की शक्ति, उसकी कल्पना की शक्ति, उसकी माइंड की शक्ति, जो अनलिमिटेड है, जिसका कोई भी लिमिट है ही नहीं। इसीलिए ही जब आप प्रोग्रेस करने लगते हो तब लिमिटें क्रॉस कर जाते हो, और कहीं वो शक्ति नेगेटिव चलने लगे तो भी नेगेटिव की लिमिट भी हम क्रॉस कर जाते हैं। आपके साथ जो ब्रेन की शक्ति है, माइंड की शक्ति है दोस्तों, उसका उपयोग करना चाहिए। वो आपके पास से अलादीन के चिराग की तरह है, जो सोचोगे उसका रास्ता ढूंढ के देता है ब्रेन माइंड आपको। आप जैसे आपको मंत्र बताए हैं, मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें, और ध्यान करते करते जब थोड़ी सी समाधि की अवस्था में जाने लगें, जब आप इह लोक से दूसरे लोक में जाने लगे, जब आपकी स्टेट चेंज होने लगे, तब आप अपने आज्ञा चक्र को, आप अपने कलेक्टिव माइंड को ऑर्डर दें कि मेरे साथ कभी भी कोरोना नहीं आ सकता, मेरे परिवार के साथ कभी भी कोरोना नहीं आ सकता। इस संकल्प को बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं, और अपने घर को, अपने ऑफिस को, आप अपने कारोबार को मन ही मन कल्पना करके उसको किलन करने की कोशिश करें। और इससे और बड़ी बात दोस्तों, आज नहीं तो कल हमें इस कोरोना से निकलना है, ठीक होना है। जैसे ही आप ठीक होते हो फिर तो सभी काम करने हैं, फिर समाज का काम भी करना है, कारोबार भी करना है, जॉब भी करनी है। तो भगवान ने, ईश्वर ने जो आपको ये मौका दिया है, इस वक्त पे आप अपनी प्लानिंग बनानी शुरू करें, अपना टाइम टेबल बनाना शुरू करें, अपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें, और साथ साथ में स्पिरिचुअली क्या करना है उसकी भी प्लानिंग बनानी शुरू करें। और जैसे जैसे आप प्लानिंग बनाते हैं और स्पिरिचुअल विज्ञान आपको शक्ति देता है, आपको ताकत देता है कि आपको कैसे उसको प्रैक्टिकल रूप देना है, आपकी जो विजुअलाइजेशन की पावर है, कल्पना की पावर है, वो आपको कामयाबी देती है, आपको शक्ति देती है। तो आप कलेक्टिव माइंड की शक्ति को समझते हुए, अपने माइंड की शक्ति को समझते हुए, स्पिरिचुअल शक्तियों को समझते हुए पॉजिटिव सोचें और जीवन की अच्छी तरह प्लानिंग बनाएं, और इलेक्ट्रो माइंड को कैसे
मजबूत करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। जय माता दी। माँ बहुत बहुत कृपा करे, सक्सेस होए, कामयाब होए।